सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन महीने में एक तरफ जहां श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज से वैजनाथ धाम की यात्रा कर रहा है, वहीं भागलपुर से भी 108 श्रद्धालुओं का एक जत्था बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। भागलपुर के याराना भक्त मंडली द्वारा भव्य यात्रा निकाली गई। बराड़ी गंगा घाट से जल लेकर कांवड़िया स्थानीय गोकुल गार्डन पहुंचे और यहां से पूजा आरती कर मुख्य बाजार भ्रमण करते हुए बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। ये सभी कांवड़िया 7 दिनों में बासुकीनाथ धाम पहुंचेंगे। यात्रा में शामिल कांवड़ियों ने बताया कि 13 वर्षों से याराना भक्त मंडली भव्य कांवड़ यात्रा निकाल रही है। याराना भक्त मंडल के 108 कांवड़िये आज बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से बाबा के जयघोष के साथ सभी कांवड़िये एक ही लिबास में राजस्थानी पगड़ी बांधकर बाबा की जयघोष के साथ याराना भक्त मंडल आज बाबा बासुकीनाथ को अरदास लगाने जा रहा है। और बिहार सरकार से हमारी ये मांग है कि जो 4 लेन पुल बन रहा है और 4 लेन सड़क जो भागलपुर से हल्दिया बन रही है उसके समांतर एक कच्ची सड़क भागलपुर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियाओं के लिए बिहार सरकार उपलब्ध कराए, इसकी हम मांग करते हैं। हम लोग एक हफ्ता की यह यात्रा है, पूरे रास्ते भर लोगों को अविरल गंगा निर्मल गंगा के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए यह पूरी टीम जागरूकता अभियान के साथ बाबा का जयघोष करते हुए जाएगी। ये 2011 से लगातार यह यात्रा निकल रही है और यह यात्रा का उद्देश्य सीधा साफ है। इस यात्रा के उद्देश्य सभी का मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। 108 कांवड़िया है, 150 लोगों की ये पूरी टीम है, सारी व्यवस्था के साथ डीजे नगाड़ा के साथ बाबा बासुकीनाथ जाएंगे। स्मार्ट सिटी के लिए भी कोई कामना हो, भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए कामना हम 2011 से लगातार कर रहे हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी जो केंद्र सरकार की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी है उस पर इम्प्लीमेंट अच्छे से हो, इसकी भी हम बाबा से अरदास लगाने जा रहे हैं।